नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोरीन। आप देख रहे हैं सोरीन एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल। में इस वीडियो में मैं आज मोनेटाइजेशन के रिलेटेड जो क्वेरीज है और आपके चैनल में 100% मोनेटाइजेशन ऑन होगा, ये कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल पे ऐसे यूट्यूब रिलेटेड और टेक रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मैं आपको बता दूं, आप अगर मोनेटाइजेशन रिलेटेड जो क्वेरीज है कि आप अगर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस बनाते हैं, आप अगर अपने जो वीडियोस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, गेम का जो रिकॉर्डिंग क्लिप्स होता है वो यूज़ करते हैं, आप अगर वीडियो रोस्टिंग करते हैं, आप अगर जो पिक्चर स्लाइड शो करके न्यूज़ देते हैं। जैसे यूट्यूब ने नया पॉलिसी अपडेट किया है कुछ दिन पहले, जहाँ उसने बताया कि आपके वीडियोज़ में आपका फेस होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जो चैनल पर जो मोनेटाइजेशन वो एक्टिव नहीं होगा। बट ये सब गलत है। मैं आपको बता दूं, मोनेटाइजेशन 100% ऑन होगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन जो ऑन करने के लिए जो वर्कर्स यूट्यूब के जो बैठे हुए हैं वो सब ह्यूमंस हैं, वो कोई रोबोट नहीं है। तो अगर उनको लगा कि आपके चैनल में जेन्युइन वीडियोस है तो वो 100% मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कर देगा। इसके लिए आपको जो कॉपी पेस्ट कभी मत कीजिए, किसी की भी वीडियो को आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कीजिए। और अपने आप अगर स्लाइड से वीडियो यूज़ करते हो तो वीडियो के बैक में आप अपने वॉइस यूज़ कीजिए, खुद का वॉइस यूज़ कीजिए, कोई टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो मत यूज़ कीजिए। और मैं और बता दूं, आप अगर रोस्टिंग करते हो तो रोस्टिंग ज़रूर कीजिए, रोस्टिंग का चैनल भी मोनेटाइजेशन ऑन होगा। बट रोस्टिंग के चैनल पर आप जो खराब लैंग्वेज सबसे कम यूज़ कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब के एकदम खिलाफ है। और मैं एक और बता दूं कि आप अगर जो स्लाइड्स वीडियो डालते हैं तो वो गूगल से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करते समय रीयूज जो होता है, मतलब लेबल फॉर रीयूज जो ऑप्शन मिलता है यूट्यूब गूगल पे, वो वीडियोज़ यूज़ कीजिए। और डायरेक्टली किसी भी वीडियोज़ को आप कॉपी मत कीजिए, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब आपने किसी का कॉन्टेंट कॉपी किया है, बट आप ये तो नहीं कि आप दूसरे बार उसकी वीडियो को फिर से कॉपी करने वाले हो। उधर जो को वर्कर्स होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे होने के बाद भी वो मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कर देते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा कॉपी मत कीजिए, तो दोबारा आप अगर कॉपी करते हो तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में अगर आपका सब क्वेरी समझ आ गया तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए। Close till I get up, time is barely on our side.